श्योपुर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के संविदा कर्मचारी के द्वारा विधायक बाबू जंडेल को ज्ञापन दिया गया। परीक्षण सहायक नियमित बैच 2013 की प्रतीक्षा सूची से संविदा में नियुक्त परीक्षण सहायकों ने विधायक श्री बाबूलाल जी जंडेल को दिया ज्ञापन मांगा न्याय। श्योपुर में 27 तारीख को विद्युत कर्मचारी संघ इंटक के श्योपुर जिला अध्यक्ष अजय द्विवेदी के मार्गदर्शन में परीक्षण सहायक नियमित बैच 2013 की प्रतीक्षा सूची से संविदा में नियुक्ति किए गए परीक्षण सहायकों ने ज्ञापन देकर संज्ञान में लाया कि वर्ष 2013 में नियमित परीक्षण सहायक के 1339 नियमित पद विज्ञापित किए गए थे। इसमें सभी कंपनियों ने आवश्यकता अनुसार परीक्षण सहायक नियामक की भर्ती की थी, लेकिन मध्य क्षेत्र कंपनी के द्वारा नियमित भर्ती के उपरांत प्रतीक्षा सूची के शेष उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के नियमों की अवहेलना करते हुए संविदा पर भर्ती किया गया था। और मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के द्वारा सभी वितरण कंपनियों में भर्तियों के लिए विज्ञापित की गई थी। रिक्तियों के अनुसार पूर्व क्षेत्र कंपनी में 652, मध्य क्षेत्र कंपनी में 254, पश्चिम क्षेत्र कंपनी में 433 नंबर पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें नियमित भर्ती के लिए आवेदन लोगों ने किया था और चयनित कुल 1339 उम्मीदवारों को पदों पर नियुक्त किया गया था। ये केवल वांछित पदों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया संपादित हुई होती तो उसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मध्य क्षेत्र कंपनी के द्वारा जारी विज्ञापन में नोट लगाया गया था कि परीक्षण सहायक को पदों को बढ़ाने और घटाने का पूर्ण अधिकार कंपनी का होगा और परीक्षण सहायक का कार्य जो है वो उप केंद्र का संचालन होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य की श्रेणी में आता है और जान जोखिम वाले स्थायी प्रगति के कार्यों को संपादित करते हुए मध्य क्षेत्र कंपनी को विज्ञापित संख्या से अधिक परीक्षण सहायकों की आवश्यकता थी। उनके द्वारा जारी विज्ञापन में पदों को बढ़ाने और घटाने की कंडिका भी सुरक्षित की गई थी, लेकिन विज्ञप्ति में एक ही तरह की पद की सेवा शर्तों के अनुसार नियुक्ति किया जाना है, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा गया। ये कर्मचारी अब अपमानजनक स्थिति में नौकरी करने को मजबूर हैं। इनके अपमान का कारण है कि इनके साथ जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी वो आज कंपनी के नियमित कर्मचारी हैं और तमाम सुविधा ले रहे हैं। वहीं 2013 बैच के ही प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी नियमित नहीं किया गया है। इस संबंध में विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन इंटक के द्वारा विधायक बाबूलाल जी जंडेल को ज्ञापन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को बताया गया। परीक्षण सहायक नियमित बैच 2013 की प्रतीक्षा सूची से संविदा परीक्षण सहायकों को नियमित करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में माननीय विधायक के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय दिलवाया जाएगा। ज्ञापन में कर्मचारी अजय द्विवेदी, भूपेंद्र तोमर, नवल खरे, अटल नागदा, मुकेश मेघवाल, अक्षय शर्मा और इन साथियों ने मिलकर ये ज्ञापन सौंपा है। तो ये आवेदन यहाँ पर विधायक जी के यहाँ पर आवेदन देने आए, तो किस चीज का आवेदन देकर आए, काय की मांग रखी है तुम लोगों ने? जी ये संविदा से हैं हम लोग, बिजली संविदा कर्मचारी। 2013 में हम लोगों की ज्ञापन के द्वारा नियमित भर्ती हुई थी और 2013 जनसंकल्प में जो बीजेपी ने जनसंकल्प दिया था उसमें नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन आज 2022 सोच चलाए समथिंग 9 साल होने को चले हम लोगों को, लेकिन अभी तक नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं हुआ है। इसी संबंध में हम लोग विधायक जी से निवेदन करना आए थे कि हमारे लिए उचित कार्रवाई की जाए। तो अब इसके बाद में कहाँ पे जाओगे आप लोग, मतलब कहाँ आवेदन दोगे और क्या करोगे? अभी हम लोगों को जो भी वर्तमान में ब्रजराज सिंह चौहान जो जिनको प्रदेश उपाध्यक्ष की पद मिला है, अगला कार्यक्रम हम उनको ज्ञापन देंगे और हमारी समस्याओं से उनको अवगत करवाएंगे। कलेक्टर महोदय को और सीताराम जी आदिवासी विजयपुर विधायक हैं, उनको भी हमको ज्ञापन देना है और समस्याओं से अवगत करवाना है। कितना समय हो गया आप लोगों को संविदा पर रखे हो सरकार? हम लोगों को समथिंग 9 साल 10 साल होने को चले हैं। अच्छा, तो 2013 की हम लोगों की ज्वाइनिंग है और हम लोग घर से अपने समथिंग 1500-800 किलोमीटर साथी हैं जो यहाँ श्योपुर में रहकर काम कर रहे हैं।